दोस्तों, भिवंडी कॉरपोरेशन के 2019 के मेयर इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के विरोध में जाकर 18 नगर सेवकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस का महापौर नहीं बैठ पाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व महापौर जावेद गुलाम दलवी ने कोकण भवन में इसकी शिकायत कर 18 नगर सेवकों के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके नतीजे में महाराष्ट्र सरकार ने उन 18 नगर सेवकों को 31 दिसंबर 2021 से अगले 6 सालों के लिए निलंबित कर दिया। ये फैसला आने के बाद भिवंडी शहर में राजनीति का माहौल गर्मा सा गया। इस पर आज भिवंडी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देखिए, हमारे भिवंडी शहर में महानगर पालिका में जो 2019 में मेयर का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस की सिंपल मेजोरिटी होने के बावजूद हमारा मेयर का कैंडिडेट हार गया, और वजह यह थी कि हमारे 18 नगर सेवक जो है उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए पार्टी से बगावत की, इस शहर से बगावत की, और उन्होंने एक आज़ाद कैंडिडेट को सिर्फ रिश्वतखोरी की बुनियाद पे वोट दिया था। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने और हमारे उस वक्त के नेता जो उससे पहले मेयर थे उनकी अगुवाई में कमिश्नर के पास हमने एक पिटीशन दाखिल की थी उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि कानून बिल्कुल साफ है, व्हिप अगर सर्विस हो गई है, आपने व्हाट्सएप पे भी अगर व्हिप भेज दिया है, और व्हिप भेजना ही काफ़ी है, ये सब कानून के इतनी सफाई के बावजूद जो है एक डबल व्हिप का सहारा लेकर और कुछ मखसूस पार्टियां हमारे शहर क्या पूरे स्टेट की पार्टियाँ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन पूरा शहर जानता है कि उन्होंने उन बागी जो नगर सेवक थे उनका साथ दिया, उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और किसी तरह से कमिश्नर के पास जहां हमारा फैसला 2021 में ही हो जाना चाहिए था, 20 में हो जाना चाहिए था, वो 2021 में भी फैसला जो है उनके फेवर में गया, और उसके खिलाफ हम लोगों ने जो है कांग्रेस पार्टी ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास अपील दायर की। उस वक्त एकनाथ शिंदे जी जो उस वक्त नगर विकास मंत्री थे उनके पास अपील दायर की, किसी वजह से और कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में वो मैटर डिले होता गया। बाद में आपने देखा कि पूरे स्टेट में सरकार बदल गई, नई सरकार आई, और उसमें भी काफ़ी समय गया, लेकिन आखिर में खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है। और मैं एकनाथ शिंदे जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने देर सही लेकिन एक अच्छा फैसला उन्होंने दिया है, और इस फैसले के तहत जो है ये 18 नगर सेवक जो है 31/12/2021 से 6 साल के लिए वो कोई भी इलेक्शन वो लड़ नहीं सकते, इसके लिए डिस्क्वालीफाई किए गए।